सिगरौली में गांजे के अवैध कारोबार में लिप्त दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 2.5 किलो गांजा बरामद किया है। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा के दो कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। गांजा कारोबारियों के पास से पुलिस को करीब 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ। वहीं दूसरी कार्यवाही में नौकरी के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने वाले रमेश सिंह को 4 दिन पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि रमेश लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे लेकर फ्रॉड किया करता था। दिनांक 17-18 के दरमियान रात मुखबिर से सूचना मिली कि खिरवा के निवासी दो व्यक्ति हैं जो कि गांजे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु यहाँ से स्टाफ रवाना किया, जिनमें आशीष कुमार बिन और भगवान दास बिन के कब्जे से टोटल 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।